जागरण मंच युवा वाहिनी नगर चंदौसी जनपद संबल के तत्वावधान में फवारा चौक पर अर्णव गोस्वामी जी और उनके परिवार पर आज किए गए दुर्व्यवहार का विरोध किया। चंदौसी फवारा चौक पर हिंदू जागरण मंच व हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी पत्रकार अर्णव गोस्वामी जी ने जब बाल घर में की गई साधुओं की हत्या का मामला उठाया था तब इसे महाराष्ट्र सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है। उन पर और उनके पत्रकार साथियों पर हजारों की संख्या में मुकदमे दर्ज करा चुकी है। आज सारी सीमाएं लांग कर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। जब सुबह 6 बजे अर्णव जी के आवास पर प्रशासन द्वारा उनके और उनके परिवार से दुर्व्यवहार किया गया। हिंदू जागरण मंच ऐसे किसी भी कृत्य की घोर निंदा करता है और साथ ही अर्णव गोस्वामी जी की अविलंब रिहाई की मांग करता है। विकास कुमार सनातनी, आपने हमारे पर जो ये प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? अर्णव गोस्वामी राष्ट्रवादी पत्रकार जो मुंबई में रहते हैं उन पर महाविकास अघाड़ी संघ ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और क्योंकि पूर्व में काल में पाल घर के साधुओं का मुद्दा केवल अर्णव गोस्वामी जी के द्वारा उठाया गया था, जिसमें जिस पर चारों तरफ से महाविकास अघाड़ी संघ को भारतवर्ष से सुनने को मिली थी और उन्हीं के कारण पाल घर के साधुओं का केस दर्ज हुआ था। सुशांत की हत्या का मुद्दा भी अर्णव गोस्वामी जी ने उठाया था। और इन्हीं कारणों से शिवसेना, जो कि आजकल सोनिया सेना हो गई है, और वो लगातार 1000 से ज़्यादा FIR अर्णव गोस्वामी जी और उनके पत्रकार टीमों पर करा चुके हैं। इसकी निंदा चारों तरफ से की जा रही है और हिंदू जागरण मंच इसकी पूर्ण भर्त्सना करता है, घोर निंदा करता है। हमारी मांग है, जैसे कि पूर्व फ्री स्पीच अभिव्यक्ति की आज़ादी का मुद्दा कांग्रेस सरकार या कांग्रेस लोग काफ़ी समय से उठाते रहे हैं, आज वही लोग पुनः अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाए रखें। लोकतंत्र की हत्या भारत अब नहीं सहेगा। आज का युवा जागृत हो चुका है और उनके सभी हथकंडे जो हैं विफल होंगे। आने वाले इलेक्शंस में जनता उन्हें मुँह तोड़ जवाब देगी। पत्रकारों का उत्पीड़न अब भारतवर्ष नहीं सहेगा। हम मांग करते हैं पत्रकारों के ऊपर